यार आज ना मुझे के जो अपना सिंगर है ना यार, उसकी याद आ गई। और यार वो मेरा फेवरेट सिंगर था यार। बट एनीवेज, आज मैं आया हूँ मियामी में दोबारा, और इस बार यार मैं रहूँगा मिड बीच में। तो चलते हैं अपने होटल की तरफ। और यार ये होटल मियामी का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक होटल है, जो ओपन हुआ था 1954 में, और इसका नाम है फाउंटेन ब्लू। एंड एट द टाइम व्हेन इट वाज ओपन, इट वाज कंसीडर्ड एट द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लग्जूरियस होटल इन साउथ फ्लोरिडा। और यार अब अंदर हम पहुंच गए हैं, और ये जो शैंडलियर है ना, ये मुझे बहुत फाड़ू लग रहे हैं, तो इसको जरा क्लोजअप से आपको मैं पहले दिखाता हूँ, फिर आगे अपना टूर कंटिन्यू करेंगे। चलो फिर आगे चलते हैं। और ये है इनका नाइट क्लब, ये आपको बाद में दिखाएंगे, अभी तो फिलहाल बंद है। और ये साथ में इनका यहाँ पर एक ओपन बार है, और क्योंकि अभी लोग चेक इन करा रहे हैं तो मैंने सोचा कि अभी आपको मैं सारा होटल दिखा देता हूँ, क्योंकि बाद में हो जाएगी भीड़ और फिर थोड़ा मुश्किल होगा अपना व्लॉग बनाने में। और ये आ गया इनका आइसक्रीम शॉप, तो इसमें ज़रा बाद में आएंगे, अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं। और इस होटल में यार काफ़ी सेलिब्रिटीज़ और एंटरटेनर्स भी आते हैं, और जो मुझे याद है वो है एक एल्विस प्रेस्ली, बॉब होप, इन्होंने यहाँ पर आके परफॉर्मेंस भी करी हुई है, और यहाँ पर बड़ी सारी हॉलीवुड मूवीज़ भी बनी हुई हैं, जैसे गोल्ड फिंगर, बेल बॉय और अपनी फेवरेट स्कारफेस। और हाँ, एक मूवी है बॉडीगार्ड, वो भी यहाँ पर ही शूट हुई थी। ये बढ़िया लग रहा है यार, आई फॉलोड यू टू द सन, बढ़िया है। चलो यार अब चलते हैं अपने पूल एरिया में। मैं ब्रेकफास्ट तो करके आया था, मुझे इतनी भूख नहीं लग रही अभी, बट चलते हैं, आपको पूल एरिया तो दिखाई देता हूँ पहले, और उसके बाद अपना लंच करूँ आराम से। पर यार यहाँ पर ना गर्मी भी बहुत है यार, बट यार वीडियो भी बनाना है और बीच में भी जाना है, तो अब गर्मी तो सहनी पड़ेगी ना। तो एनीवेज, ये मैं इसके पूल एरिया में एंटर कर गया हूँ। मैं आने से पहले देखा था यहाँ पर है इनके 6 पूल यहाँ पर छोटे छोटे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, और यहाँ पर एक पार्टी भी होने वाली है इन दी आफ्टरनून, वो भी मैं जाके आपको पूरी दिखाऊंगा, अभी तसल्ली रखो भाई। बट अभी फ़िलहाल मैं आपको पूल का एरिया जितना दिखा सकता हूँ मैं दिखाता हूँ। और ये मैं आ गया हूँ इसके सेंटर पूल में, जिसमें मैं आपको ये व्यू दिखा ही रहा हूँ कि मज़ेदार व्यू है काफ़ी। और अब आगे चलता हूँ मैं। और यार ये वीडियो ना थोड़ा मैं फास्ट ट्रैक पे बना रहा हूँ, ताकि फटाफट सारी चीज़ें कवर कर सकें, क्योंकि ये जो होटल है ना बहुत बड़ा है, और यहाँ पर ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फटाफट जब यहाँ पर पार्टी स्टार्ट होने वाली है उससे पहले आपको पूरा एरिया दिखा दूँगा, क्योंकि उसके बाद यार काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाएगी और फिर अलग टंटे होंगे यार कि यहाँ फ़ोटो नहीं खींचनी, यहाँ वीडियो नहीं बनाना, इसका पूछना पड़ेगा ये वो। अभी फ़िलहाल खाली है तो मैंने कहा चलो सारा कुछ दिखाई देता हूँ। ये यहाँ पर एक 360 व्यू तो बनता ही है। और ये देखो इसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, थोड़ा कर्व है, और ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर काफ़ी सारी पार्टीज़ भी होती हैं इवनिंग पे। मेरा यहाँ पर डिनर का प्लान है, वो भी जाके मैं जो परफॉर्मेंस होगी वो भी दिखा दूंगा, और खाना शाना तो अपना आराम से खाते रहेंगे। और फिलहाल मैं अभी चलता हूँ बैक साइड ऑफ होटल, जहाँ पर यहाँ का जो बीच एरिया है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि द बीच इज़ कनेक्टेड विद द होटल, तो वहाँ जाता हूँ पहले और बीच के दर्शन करते हैं फिर। हो गया स्टार्ट अपना बीच वाला एरिया, और काफ़ी शांत है अभी, अगेन बिकॉज अभी सुबह का टाइम है, अभी आफ्टरनून की पार्टी हो जाने दो, उसके बाद तो यहाँ पर खतरू भीड़ होने वाली है यहाँ पर, तो इसलिए अभी जाके थोड़ा बीच पे टहलते हैं, और अपनी लहरों की आवाज़ आना स्टार्ट होगी यहाँ पर, गजब। तो पहले जाके यार अपनी लहरों की आवाज़ सुनते हैं। और लगे हाथों मैं आपको एक यहाँ का ड्रोन शॉट भी दिखा देता हूँ बीच पे खड़े हुए इस होटल का, बताना भाई कैसा लगा। और यार अब बीच पे आए हैं तो थोड़ा आपको मियामी की बीचेस के बारे में भी मैं बता देता हूँ। पहले मैं आया था साउथ बीच में, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो यार मैं लिंक यहाँ पर डाल दूंगा, तो ज़रूर देखना, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा।
और अब इस वक्त मैं आया हूँ मिड बीच में और उसके बाद आती है नॉर्थ बीच। तो जो साउथ बीच है ना वो बहुत फेमस है, वहाँ पर पार्टीज होती हैं, वहाँ पर जितने भी टूरिस्ट होते हैं ना पहले वहीं जाते हैं। और जो मिड बीच है ना थोड़ा एक्सक्लूसिव है और थोड़े कहीं पर यहाँ पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं और होटल्स भी हैं। और नॉर्थ बीच में जाओगे ना तो नॉर्थ बीच की साइड मोस्टली रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। तो ये था यार तीनों में डिफरेंस। और यार जब भी आओ मियामी अलग अलग जगह रहो, एक ही जगह रहने पे मज़ा थोड़ी आएगा। और आपको ही पता है यार मैं मुझे बहुत पसंद है नई नई जगह एक्सप्लोर करना, नए नए कल्चर से सीखना और नए नए फूड ट्राई करना। तो ठीक है चलते हैं, अब आगे अपना टूर कंटिन्यू करते हैं और आपको भी दिखाएंगे और खुद भी मज़े करेंगे। चलो। और यार यहाँ पर ना जेट्स की ऐसे पड़ी हुई है यार, मैंने ना अभी तक जेट्स की नहीं करी हुई, तो मेरा यार मन बहुत है, तो टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ करूँगा, नहीं तो यार अपनी नेक्स्ट ट्रिप बनाऊँगा कैरिबियन। कैरिबियन का जो वाटर है ना बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो अगर यहाँ नहीं कर पाया ना तो मैं वहाँ जाके ज़रूर करूँगा। और ये दिखाता हूँ पंछी बैठे हुए हैं यहाँ पर बीच के पास, इधर अपने लोग हैं सारे और इधर पंछी हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा सही सीन लग रहा है। तो यार अब चलते हैं वापस होटल की तरफ और अब मैं यार आपको इनका जो स्पा एरिया है ना वो दिखाता हूं। हाँ भाई हो गया इनका स्पा एरिया स्टार्ट और यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना रखा है जो पूल से बहुत ही करीब है, जो अगर आपको थोड़ी भूख लगे तो फटाफट आके यहाँ पे खा सकते हैं और वापस पूल में जा सकते हैं। और इनका जो ये सेंटर है इसमें आप योगा कर सकते हैं और इसमें बाकी सारी मसाज सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। वो फ़िलहाल अभी टाइम नहीं है क्योंकि इनकी बहुत एडवांस में बुकिंग करानी पड़ती है, बट जितना मैं आपको इसमें आगे दिखा सकता हूँ मैं दिखा देता हूँ। यार अब चलते हैं अपने रूम की तरफ, आपको अपना रूम का टूर भी तो कराना है ना। और जाते जाते आ गए यार अपनी आइसक्रीम, अब पहली मैंने आपको दिखाई थी, अब मन तो कर रहा मेरा लेने का, तो अब इतने प्यारे तरीके से डेकोरेशन कर रखी है तो भाई लेना तो बनता ही है। तो ले ली मैंने यार अपनी चॉकलेट एंड पिस्ताशियो वाली आइसक्रीम और रूम पे जाके खाएंगे। तो आ गया अपना टावर जहाँ पर अपना रूम है और फिलहाल इसका इंटीरियर डेकोरेशन भी आप देख ही रहे हैं कि कितना बढ़िया है और कितना क्लासिक है, और मुझे यार ये ऐसा इंटीरियर मुझे बहुत पसंद है। बट अपना लेते हैं एलिवेटर, अपने चलते हैं 8th फ्लोर पे जहाँ पर अपना रूम है और फिर आपको पहुँच के रूम दिखाएंगे आराम से। और यार ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपको इसके पार्ट 2 में।